वेलकम माय स्टूडेंट्स, एज द पैटर्न फॉर कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू चेंज इन योर बोर्ड एग्ज़ाम, 50% क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सो आई एम सॉल्विंग सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर द प्रपोजल। तो बच्चों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, उसके अंदर आपको 50% क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, एक एक मार्क्स वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं आपका दी प्रपोजल प्ले के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ए पार्ट, जिसमें चूज द राइट और करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन 1 to 10 बेस्ड ऑन द प्ले द प्रपोजल। तो 10 क्वेश्चन है वो MCQ हैं आपके, उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ और जिनके आंसर हैं वो नीचे दिए हैं, आप नीचे से आंसर्स हैं वो देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो नीचे, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ नीचे, तो उनके आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं। मैं बार बार इसको रोल नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चंस के आंसर हैं वो नीचे, ये आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, आपको आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस हैं MCQs के, तो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, लेट्स बिगिन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस, Who does visit Chukbao's house in decent clothes in the play The Proposal? चुकबाओ के घर बड़े अच्छे सजे हुए कपड़े पहन करके कौन आता है प्रपोजल प्ले के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन नतालिया, सेकेंड बी पार्ट लोमाओ, थ्री एंटन चेखव एंड डी नन और नोवन। तो इसका आंसर होगा लोमाओ। ओके, लोमो विजिटेड चोकोबो हाउस टू प्रपोज टू हिज डॉटर नतालिया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज नतालिया स्टेनिपोवा? नतालिया स्टेनिपोवा है वो कितने साल की है, क्या उसकी उम्र है इस प्ले के अंदर? तो 20 इयर्स ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, 30 इयर्स ओल्ड एंड 35 इयर्स ओल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 25 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, What is the name of Natalia's father in the play The Proposal? The Proposal play के अंदर नतालिया के फादर का नाम क्या है? तो ए में है ऑक्सन मिडोस, बी में है लोमो, थ्री है एंटन चेखव और फोर्थ है वो है स्टीफन स्टेनिपोविच चुकभव। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा स्टीफन स्टेनिपोविच चुकभव। डी आंसर है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, Whom does Lomo come to propose for a marriage in the play The Proposal? लोमो किसको प्रपोज करने के लिए आता है, किसको विवाह का प्रस्ताव देने के लिए आता है दी प्रपोजल प्ले के अंदर? तो ऑप्शंस के अंदर है ए चुकबाओ को, बी एंटन चेखव को, थ्री नतालिया स्टेनिपोवा और नो वन या किसी को भी नहीं। तो आंसर सी रहेगा इसका, नतालिया स्टेनिपोवा। नाउ फिफ्थ, What type of play is this play The Proposal? ये जो The Proposal play है वो किस टाइप का प्ले है? ए ह्यूमरस प्ले यानी कि हंसाने वाला प्ले, ए फार्स या फिर फार्स है ये जिसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल हसल बसल होती है और कॉमेडी होती है और जो हमारे करेक्टर्स होते हैं वो एक पपेट्स की तरह से काम करते हैं, या एक कॉमेडी है या ऑल दी अबव। तो ये सभी ऑप्शन है वो यहां पर सही है, ह्यूमरस प्ले भी है, एक फार्स भी है और एक कॉमेडी तो है ही। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द मैटर ऑफ फर्स्ट डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी बिटवीन नतालिया एंड लोमो? लोमो और नतालिया के बीच में पहली किस बात को लेकर के झगड़ा होता है? द डॉग गैस एंड द डॉग स्क्वीजर को लेकर के, बी में ऑक्सन मिडोज को लेकर के, सी में ब्रंट मार्श को लेकर के या ब्रिजवुड्स को लेकर के? तो इसका आंसर आएगा आपका बी पार्ट। तो पहला जो उनका डिस्प्यूट है दैट इज ऑन ऑक्सन मिडोज। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द सेकंड मैटर ऑफ डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी बिटवीन नतालिया एंड लोमो? लोमो और नतालिया का झगड़ा दूसरी बार किस बात को लेकर के होता है? तो आंसर है ऑप्शंस में है आपका द डॉग गेस एंड द डॉग स्क्वीजर,
बी है ऑक्सन मीडोज को लेकर के, थ्री देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देन डैम कि उनके बीच में झगड़ा होता ही नहीं है, या ब्रिजवुड को लेकर के, तो इसका ए आंसर है वो राइट आएगा, द डॉग गेस एंड द डॉग स्क्वीजर सेकेंड बार उनके झगड़े का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर एट, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर इज और आर क्वालसम बाय नेचर इन द प्ले द प्रपोजल, इनमें से जो नीचे करेक्टर्स दिए गए हैं उनमें से कौन से लोग हैं वो झगड़ालू लोग हैं, नताल्या, लोमो, सी चुकभो एंड ऑल दी करेक्टर्स इन दी प्ले, तो इसका राइट आंसर है वो ऑल दी करेक्टर्स इन दी प्ले आएगा क्योंकि ऑल आर क्वालसम बाय नेचर, और सभी हैं वो झगड़े स्वभाव से झगड़ालू लोग हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु डस फॉल इन एन आर्म चेयर इन दी प्ले ड्यू टू हार्ट पेल्पिटेशन, दिल के ज्यादा फड़कने के कारण आर्म चेयर के अंदर कौन करेक्टर है वो गिरता है, नतालिया, लोमो, चुकभो और ऑल दी करेक्टर्स इन दी प्ले, तो इसका राइट आंसर आएगा बी लोमो। आंसर्स आर गिवन ओके एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ओके क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉल्ड लोमो ए लैंड ग्रैबर इन द प्ले द प्रपोजल, द प्रपोजल प्ले के अंदर लोमो को एक लैंड ग्रैबर यानी कि जमीन हड़पने वाला व्यक्ति कौन बोलता है, नतालिया, एंटन चेखव बोलता है या चुकबो बोलता है या नोवन, तो इसका राइट आंसर है वो नतालिया आएगा क्योंकि नतालिया ही इसको लैंड ग्रैबर बोलती है। नाउ अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम, सेकेंड टाइप के, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी प्ले दी प्रपोजल, आपको कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है कि आपने इन स्टेटमेंट्स को, ये जो बातें बोली गई हैं, ये फैक्ट्स बोले गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो जैसे दी प्रपोजल इज ए ह्यूमरस प्ले भी लिख सकते हो, ओके, या फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो ए फार्स, ओके, ए फार्स भी लिख सकते हो, कोई भी आप ऑप्शन है इसके अंदर दे सकते हो। आंसर्स हैं वो आपको नीचे हैं वो दिए गए हैं एंड के अंदर, जैसे ए ह्यूमरस प्ले और ए फार्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, बोथ इवॉन वेसलविच लोमो एंड स्टीफन स्टेनिपोविच आर नेबरर्स, इवॉन वेसलविच लोमो एंड स्टीफन स्टेनिपोविच चुकबव हैं वो कौन है, पड़ोसी हैं, यहां पर चुकबव वर्ड है वो और लिखना पड़ेगा, स्टीफन स्टेनिपोविच चुकबव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वर ए मैटर ऑफ लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन लोमोज एंड चुकभो, ये चीज है वो लोमोज और चुकभो के बीच में लंबे समय से एक झगड़े का कारण है वो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सन मीडोज। फोर्थ, इवॉन वेसलविच लोमो पेड और गेव रूबल्स टू मिरनाव टू बाय द डॉग गैस फ्रॉम हिम, इवॉन वेसलविच लोमो ने मिरनाव को कितने रूबल दिए थे अपना गैस डॉग खरीदने के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 125 रूबल्स। फिफ्थ पार्ट, स्टीफन स्टेनिपोविच चुकबो कॉल्स लोमो, ओके, ओ माई डियर, ओ माई डियर, ओके, वो उसको बोलता है शुरू के अंदर प्ले के अंदर, टू वेलकम हिम इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, वो उसको बोलता है माई डियर फेलो हुम डू आई सी इवॉन वेसलविच आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, तो ये उसको बोलता है शुरू के अंदर, इसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, आपको वन वर्ड के अंदर इनका आंसर देना है। तो जैसे फॉर हाउ लॉन्ग वर द ऑक्सन मीडोज इन द पोजेशन ऑफ नतालियाज फादर, ऑक्सन मीडोज हैं वो नतालिया के फादर के पास कितने समय से थे, तो इसका आंसर आएगा अबाउट 300 ईयर्स, लगभग 300 सालों से। हु कॉल्ड लोमो दी विलन ए स्केयर क्रो, ओके, यहां पर दी विलन है लोमो, लोमो को कौन व्यक्ति है वो विलन कहता है, यानी कि विलन का मतलब होता है एक प्रकार से शैतान बोलता है या ए
स्केयर क्रो जो कि डरावा होता है, जो फसलों में पशुओं को बचाने के लिए फसलों को पशुओं से बचाने के लिए आदमी की शक्ल में लगा देते हैं, उसको स्केयर क्रो बोलते हैं। तो लोमो को ये कौन बोलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नताल्या। ओके नेक्स्ट है ना, इसका आंसर आएगा चुकबो, सॉरी चुकबो आएगा। व्हाट डज कॉल बैक लोमो व्हेन ही हैड लेफ्ट नताल्याज हाउस? लोमो को बुलाने के लिए कौन जाता है जब उसने चुकबो का घर, नताल्या का घर है वो छोड़ दिया था, तो उसको बुलाने के लिए वापिस है वो कौन जाता है? तो इसका आंसर आएगा चुकबो जाता है। ओके द सेटिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज, ये प्ले है वो कहां पर होता है? तो हम लिखेंगे एट चुकबोस हाउस, ये चुकबो के घर पर होता है। और लास्ट है हु अमंग द करेक्टर्स इन द प्ले द प्रपोजल इज ए सस्पिशियस लैंड ओनर, कौन सा जो करेक्टर है इस प्रपोजल प्ले के अंदर बड़ा ही शक्की किस्म का एक जमीन वाला व्यक्ति है? तो इसका आंसर आएगा इवोन वेसलविच लोमो। ओके तो आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन, आई हैव टोल्ड यू, यू कैन सी देयर आंसर्स। ओके आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं। ओके देयर ऑप्शन मीडोज वर इन डिस्प्यूट फॉर 300। ओके चुकबो कॉल्ड लोमोस व्हेन ही लेफ्ट नताल्याज हाउस। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है वो लोमो है। तो आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन। देन डी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। टेल वेदर द स्टेटमेंट अबाउट द प्ले इज ट्रू और फॉल्स, आपने ट्रू या फॉल्स लिखना है, यानी कि बात सही है या फिर गलत है। नताल्या डज नॉट एक्सेप्ट लोमोस प्रपोजल एट द एंड ऑफ द प्ले फॉर ए मैरिज, नताल्या है वो प्ले के एंड में लोमो का प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं करती है, तो वो कर लेती है, तो इसका ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। आगे अकॉर्डिंग टू नताल्या लोमोस डॉग गेस वॉज एन ओवरशूट, नताल्या के अनुसार लोमो का जो कुत्ता गेस है वो ओवरशूट है, यानी कि उसका ऊपर वाला जबड़ा है वो नीचे वाले से बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नताल्या डॉग वॉज ऑफ स्क्वीजर ब्रीड, ठीक है नताल्या का कुत्ता है वो स्क्वीजर है, स्क्वीजर ब्रीड का है, तो ये ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। लोमो इज डिसेंटली ड्रेस्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू नताल्याज हाउस, लोमो है वो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं जब वो नताल्या के घर जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। चुकबो इज नॉट वरीड अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज, चुकबो है वो अपनी बेटी के विवाह के बारे में चिंतित नहीं है, तो ही इज वेरी मच वरीड अबाउट नताल्याज मैरिज, तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ये फॉल्स है। तो आंसर्स है आई हैव टोल्ड यू, आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन एट द एंड ऑफ द दिस क्वेश्चन सीरीज। ओके यू कैन चेक देयर आंसर्स। ओके डी पार्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज ट्रू एंड लास्ट वन इज फॉल्स। तो स्टूडेंट आई हैव कवर्ड सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्ले द प्रपोजल इन द बेस्ट मैनर, एंड आई डू hope that now you will have any doubt regarding these questions. Okay, revise these questions, these type of questions, more questions based on this play. Thank you very much for listening to me and have a nice day.